नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो लेक्चर में आदिकाल व रीतिकाल दोनों के नामकरण पढ़ेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हिंदी विषय से होते हैं उनमें इन दोनों कालखंड से विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए नामकरण जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। आदिकाल का नामकरण करने से पहले हम आदिकाल के महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं। तो आदिकाल का समय 1000 ईसा पूर्व से 1350 ईसा पूर्व तक था। हिंदी साहित्य के जन्मकाल, शिशुकाल, प्रारंभिक काल को ही आदिकाल कहा जाता है। भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण से जब भारत में हर्षवर्धन के साम्राज्य का पतन हो रहा था, उसी समय हिंदी साहित्य का उदय हो रहा था। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव विकसित रूप ही हिंदी साहित्य का आदिकाल है। हिंदी साहित्य के आदिकाल की सामग्री में उत्तर अपभ्रंश की सभी रचनाओं का समावेश किया जाता है। तो चलिए अभी आदिकाल के नामकरण पढ़ लेते हैं। आदिकाल के नामकरण में पहले कवि हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने आदिकाल को आदिकाल ही नामकरण दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा नाम दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल नाम दिया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल नाम दिया। राहुल साकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया। मिश्र बंधु ने आरंभिक काल और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल और शून्यकाल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरकाल। डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा ने अपभ्रंश काल। अगला कर लेते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश काल नाम दिया। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सर ने चारण काल। डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने अंधकार काल नाम दिया। डॉक्टर रामशंकर शुक्ल ने जय काव्य काल नाम दिया। राम खेलावन पांडे ने संक्रमण काल नाम दिया। डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा ने संक्रमण काल नाम दिया। मोहन अवस्थी ने आधार काल। शंभुनाथ सिंह ने प्राचीन काल। वासुदेव सिंह ने उद्भव काल। राम प्रसाद मिश्र ने संक्रांति काल। शैलेश जैदी ने आविर्भाव काल। हरीश ने उत्तर अपभ्रंश काल। बच्चन सिंह ने अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय। श्याम सुंदर दास ने वीरकाल और अपभ्रंश काल नाम दिया। इसी तरह अब हम रीतिकाल का भी नामकरण देख लेते हैं। रीतिकाल के नामकरण में पहले कवि हैं रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया। विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने श्रृंगार काल। मिश्र बंधु ने अलंकृत काल। भागीरथी मिश्र ने रीति श्रृंगार युग। राम शंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपकर्ष काल। राम प्रसाद मिश्र ने शास्त्रीय काल। FEK ने चारणीय काल। त्रिलोचन ने अंधकार काल। सूर्यकांत शास्त्री ने लालित्य युग। चतुरसेन शास्त्री ने सॉरी सुरु सूर्यकांत शास्त्री ने लालित्य युग और चतुरसेन शास्त्रीय ने अलंकृत काल। शंभुनाथ सिंह ने हर्षकाल। राम अवध द्विवेदी ने रीति शाखा काल। सत्यकाम वर्मा ने काव्य विलास युग। डॉक्टर राम खिलावन पांडे ने संवर्धन काल। कमल कुलश्रेष्ठ ने साहित्य शास्त्रीय विकास काल। दिनकर ने शरीर काल। इस तरह आज के वीडियो में हमने रीतिकाल और आधुनिक काल के नामकरण पढ़े। इसमें आज के वीडियो में समझाने वाला ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन आज का वीडियो महत्वपूर्ण बहुत था। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा।
तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।